वो देखो कितना बड़ा हाथी है भाई सामने। वो एक छोटा बच्चा हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल अनसुई ब्लॉग। और आज हम नैनीताल जा रहे हैं साइड पे, और हमारे साथ गोसुल भाई आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, और वो हमारे गुलदार भाई। वैसे तो सब जानते हैं बट यूट्यूब पे आज पहली बार हमारे आ रहे हैं, ब्रदर इन लॉ हैं मेरे गुलदार भाई। और आज हमारे ट्रिप है ये अभी बिना मुँह धुलाए हम इन्हें सुबह सुबह उठा के लाए हैं। ये फेस वॉश ले साथ ले, कौन सा फेस वॉश लेकर आयो? हाँ क्लीन एंड क्लियर ये यूज़ करता हूँ। इसके अंदर पूरी किट मिलेगी, बहुत बकाया सोने की अंगूठी मिलेगी गाड़ी के अंदर, सब कुछ जुगाड़ है हमारे पास, लड़की के मेकअप करने से लेकर ये आजकल जनाने वाले काम कर रहे हैं तो इनके पास सब कुछ है, लड़की के मेकअप से लेकर सब कुछ। और इन्हें तो कुछ याद नहीं आया, सबसे पहले इन्हें याद आया कि मतलब सब कुछ है, लड़की का सामान तो एवरीथिंग एल्स गर्ल्स, जैसे भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो। हमारे गोसुल भाई का होलसेलर है कॉस्मेटिक का रुद्रपुर में, तो ऑल उत्तराखंड डिलीवर है, कहीं पे भी हो कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कॉन्टेक्ट करें हमारे गोसुल भाई से। हमारे गुलदार भाई हमारे इन फ्यूचर भाभी से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी आएंगे हमारे बीच। पूना से हैं वो, और माशाल्लाह उनके अंदर एक इतनी प्यारी आदत है कि जब मैं स्टेटस खोलता हूँ तो आरएक्स गुलदार से मेरे दर्शन होते हैं। जब मैं स्टेटस खोलता हूँ तो फोटो ज़रूर मिलेगा मुझे तो मुझे देखते ही मुझे एक तो ये होता है कि हाँ चलो हाँ मतलब इतना प्यार, लेकिन इतना प्यार भी नहीं दिखाना चाहिए, नज़रें बद का असर हो जाता है उस पर, और ये नज़रें अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ आज अपने ब्लॉग के माध्यम से, मैं आज थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ तो भाई थोड़ा ये कम करा जाए, और कम करने का मतलब ये है कि मुझे हाइड नहीं करा जाए, कहीं मुझे हाइड कर दिया जाए, ये ऑलरेडी ही थोड़ा कम करा जाए। और इसमें ऑल टाइम फेवरेट इन पांडे जी की मैगी खाने आ गए हूँ। नैनीताल तो जा ही रहे हैं तो एक स्टॉप तो यहाँ पांडे जी का बनता ही है हमारा जाते जाते। डाले भाई गोसुल भाई और गुलदार भाई हमारे साथ है ही नहीं, गुलदार भाई को हमारे भूख लग रही थी कुछ तड़प हो रही थी चाय की, तो मैगी खाने हम रुक गए। पांडे जी तीन है की मैगी एक एक घंटे का ठीक। पांडे जी की एग मैगी तैयार हो रही है, टाइम फेवर हो रही है पांडे जी। ये मैगी बना रहे हैं, ऊपर एग फ्राई हो रहे हैं इसमें एग डालने के लिए, और ये नीचे मैगी। पानी कितना टाइम हो गया आपके यहाँ पे? 35 साल हो गए। जब से HMT थी जब से ही आप हो? ओके, तो अब तो HMT जैसी बंद हो गई तो कम हो गए मैगी वाले। अब तो मैगी यार आपके पास से तो लोग इतनी दूर से मैगी खाने आते हैं, मैं खुद रुद्रपुर से आ रहा हूँ। अच्छा प्याज और आप अलग फ्राई करते हो? नमक सब पंडित जी अलग फ्राई करते हैं, उसमें मैगी बॉइल हो रही है और इधर प्याज फ्राई हो रही है, और ऊपर एग का वर्क चल रहा है, तीन शिफ्ट में बांट रखा है इन्होंने। और ये अमूल का बटर है, सारा अमूल का है? हाँ सारा अमूल का, सारा अमूल का बटर है, आप देख सकते हैं। और ये मैगी का इतना बड़ा पैकेट आप लोगों ने पहली बार देखा होगा इसमें कितनी मैगी आती है पांडे जी? 24 मैगी आती है, 10 वाली 5 वाली ये 11 वाली। अच्छा 11 वाली 24 मैगी आती है इसमें एक बार में। ये कितनी बना रहे हो? ये 5 होने, ये 3 तो इसमें मेरी है, 2 मैगी वाइट में है, मैगी खाने आए हुए हैं, मैगी बना रहे हैं हमारे पांडे जी। और ये आज हमारे पास गोसुल भाई और ये मेरे गुलदार भाई चाहिए
और ये हमने 10-10 रुपए वाले कुरकुरे सिर्फ हमने इसलिए लिए कि इसके अंदर नेट पैक है नैनीताल, इसमें 2 GB डाटा और इसमें 1 GB डाटा ही मुझे नैनीताल 2 रुपए पड़ती है, डाटा खत्म हो जाता है तो रिचार्ज करने से बेटर है कुछ खा के मतलब पैसे वसूल कर लो। वो थोड़ा ही कुछ कहना चाहोगे आप? नैनीताल हम जा रहे हैं आज क्योंकि स्नोफॉल हो रखा है, इतना स्नोफॉल हो रखा है कि हम डूबने में इसमें तैयार हैं अंदर। रात भर फिर चाहिए ना, वीआई ले लो एक। क्या ले लो? मैगी आ गई है। मैगी खा ली, हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। लेट हो 3 बज गए, मेरे को पता ही नहीं था यार 3 बजे अभी तक यहाँ पे, और 3 बज गए हैं अभी, बहुत 3:30 होने वाले हैं और अभी तो ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट ही था, हमने उठते ही मैं आ गया यहाँ पे। आगे हम लोग निकल गए, ये थोड़ा आउटर में है नैनीताल हाईवे पे, और ये हमारे HMT वॉच की खत्म हो रहा है अभी। वो गुलदार भाई को फिश वुश करना था, उसके लिए हम यहाँ रुके हैं। एक्चुअली उन्हें सुबह ही उठा के हम ले आए यहाँ पे, सुबह उनके 1 बजे होती है तो उनके लिए सुबह ही उठा के हम ले आए, और मैं भी नहा के बिल्कुल निकला तो मैंने भी ठीक से बाल वाल कुछ हुआ ऐसे नहीं करे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं भी सोकर उठ कर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि रात सो मॉर्निंग 6 बजे दिल्ली से आया हूँ तो आते ही मैं भी सो गया था, और मेरा यही प्लान था जैसे मैं उठूँगा वैसे ही निकल जाऊँगा। और हमारा क्लीन एंड क्लियर का मॉर्निंग फेस वॉश, और ये नेचुरल पानी आता है भाई पहाड़ों में। मॉर्निंग फ्रेश वॉश करते हैं, पानी कितना ठंडा हो रहा है यार, मुँह पे पड़ते ही भाई बिल्कुल नींद बिल्कुल ज्यादा हो रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा फ्रेश। बहुत ही ठंडा पानी हो रहा है क्योंकि ये सीधा पहाड़ पे आता है, ये कोई स्रोत होता है ऊपर से सीधा पानी पीने की। अरे पापा की परी ऐसे जा रही है बिल्कुल लहराती है, सैड हुई है आगे झोंका तो ले जाएंगे। अरे पापा की परी ऐसे जाती है नैनीताल घूमने, अल्लाह। अरे पापा की परी ओफो, पापा परा भी लेके जा रही है आज। अरे सीधी हाट ट्रैवलर की बस है जो नैनीताल हाईवे पे आते नीचे क्रॉस हो गई है पूरी, और 300 मीटर नीचे कम से ये नीचे जाके स्टॉप हुई है ये, और ये यहाँ से ये रोड है ये यहाँ से निकली है नीचे, और ये बता रहे कि ड्राइवर ये एक्सपायर भी हो गया है, इसे रेस्क्यू करने के लिए दोनों क्रेन ऑलरेडी यहाँ आ चुकी हैं, और एक ये छोटी है बस को रेस्क्यू करने के लिए दोनों क्रेन आ गई ऑलरेडी यहाँ पे, और ये रात का है, रात को यहाँ पे ये हुई है अनहोनी, और ये सिटी हार्ट ट्रांसपोर्ट है दिल्ली का छोटी गुलार भाई किसकी है ये दिल्ली का ये, और इनका रुद्रपुर में ऑफिस है, और बता रहे हैं कि ड्राइवर अकेला था तो वो नीचे चली गई है बस, और काफ़ी नीचे जा रही है। जिस दिन धूप दोपहर में नॉर्मल था उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी नीचे माल रोड पे के लिए जा रहे हैं अभी ठंड। ज्यादा ठंड हो रही है, और ये ठंड का एहसास हमारे भाई से पूछे उतार जा रहा है। मैं मैं तो थोड़ा एक्चुअली 1 वीक से रह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हैबिट हो गई है, लेकिन भाई अभी आए ऐसी ठंड हो रही है, दुर्राटे मार रही है बिल्कुल दुर्राटे मेरे भाई। मंदिर
और ठंड में चाय पीने का मजा अलग है। और ये चाय सुट्टा बार की हमारे गुलदार भाई चाय पी रहे हैं। कौन सी चाय पी रहे हो? चाय अदरक है। चाय सुट्टा भाई की चाय पीने आए थे हम अभी नीचे। चाय बस वही है, लेकिन जो एक लोकल मतलब शॉप की चाय होती है उस चाय का मजा ही अलग है। तो फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद ये पिज्जा मिला है हमें। पूरे आधे घंटे वेट करा गुलदार भाई को बहुत क्रेविंग हो रही थी पिज्जा खाने की, तो आधे घंटे बाद भाई साहब ये मिला है हमें। ओफ ओफ ओफ, लेकिन कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, और वही वाला ये फल है हमारा, लेकिन मीठा नहीं है, स्पाइसी है सबर का फल हमारा, बट जो भी है टेस्टी है। और चाय हुट्टा बार का हमारा गुजारा। ठंड कैसी लग रही है? बहुत बड़ी ठंड हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पानी ऐसा ठंडा ठंडा वो सुन कर दे रहा है हर चीज़ को। अभी इनका कुछ इन्होंने पानी से सुन कर दिया, ये जब ही कह रही है अभी वॉशरूम गए थे तो सुन हो गया इनका। इसको और आना है, हमें परसों भी आना है, बर्फ होगी, स्नोफॉल हो रही है अभी, परसों फिर आना। आज नहीं हुई बर्फ, हमारा नसीब सही नहीं था, परसों होगी बर्फ। सच्ची ये लेफ्ट साइड में ही था। भोटिया मार्केट नैनीताल की भोटिया मार्केट है, और कुछ वुलन में लेने आए थे क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही है, तो कुछ हैट के लिए वुलन में लेने के आ रहे थे। तो ये भोटिया मार्केट है। हाय हेलो ओके, तो ये शॉप इनकी शॉप थी, शॉपकीपर्स हैं ये, इनकी शॉप थी यहाँ पे। और होता ही है मतलब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो हाय हेलो इससे। हाँ तो मेरे सब्सक्राइबर हैं इतने अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई नहीं। और ये अभी बेबी गिर गया था बैक साइड मेरे आ रहा था। बाबू चोट तो नहीं लगी? ओके ठंडा भाई ठंडा। ये तो थोड़ा मार्केट है अंदर गली है, तो इतनी ठंड पता नहीं चली। और ये फेमस मोमो ये बॉडी मार्केट के मटन मोमो होते हैं, इसके फेमस मोमो है भाई के। हाय गाइस, और हम बना रहे हैं मटन कोरमा। और ये मटन कोरमा है, मटन कोरमा आता तो नहीं है, जैसे भी है बना रहे हूँ, बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने हाथ से बना के खाने का मजा ही अलग होता है। और ये इसमें हमने साबुत गरम मसाले डाले हैं। तो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं, डिनर वगैरह हमारा हो गया है और रात के 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं, टेम्परेचर 0 degrees अभी से हो गया है। और ठंड का एहसास इन भाइयों को देख के लगा सकते हो आप, ठंड वाकई बहुत हो रही है और माइनस होने वाला है टेम्परेचर। बाय बाय नैनीताल, बाय बाय नैनीताल कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा सफ़र बहुत है। अभी बहुत ज़्यादा आगे फोक हो रहा है, ठंड बहुत हो रही है, इतनी ठंड हो रही है आप देख सकते हैं, गिलास का गिलास पे ऐसा लग रहा है ऐसे कि स्नो सजम गया है पूरी हमारी गाड़ी पे। बोला मानो भाई
और ये हमारे गुलदार था, चाय पी रहे हैं ना, तो हर जगह चाय पी नहीं होती आज, माशाल्लाह इन्होंने 5-6 बार चाय पी ली होगी। और हल्द्वानी हमने स्टॉप लिया है कि सिर्फ चाय के लिए, गुलदार भाई को चाय में लाने के लिए। और ये हमारा बस स्टॉप हल्द्वानी का। हाँ भाई गुलदार था, और कितने चाय पी हो गए? अरे यार ठंड हो रही, चाय पीने का मन कर रहा था। ठंड हो रही तो चाय पीने का मन कर रहा था। चलो अच्छी बात है, ठंड में चाय पीने का मन कर रहा था, और किसी चीज़ का तो मन नहीं कर रहा था। और ये हाथी भाई साहब रोड पे क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी रुकी पड़ी है पूरी, और ये हाथी क्रॉस कर रहे हैं रास्ता, क्रॉस नहीं कर रहे, बीच में रुके, बीच में रुके हुए हैं, ये घबरा गए हैं बहुत बड़े। और भाई घबरा रहे हैं ये हाथी बहुत। और मैं भी गाड़ी बैक कर रहा हूँ, ये इधर ही आ रहा है, ये गाड़ी, ये हाथी हमारे पीछे आ रहा है, ये देखो गया। अब ये वापसी मुड़ गया है, ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कहाँ जाए कहाँ। तीन चार हाथी है, और ये तीन चार हाथी बिल्कुल रास्ता ब्लॉक करके रुके खड़े पड़े हैं। गाड़ियाँ तो रुकी हुई है भाई, कोई बचा लो। हाथी वो देखो कितना बड़ा हाथी है भाई सामने, सर्राटे काट रहे हैं ये। वो एक छोटा सा बच्चा, बच्चा क्रॉस, थोड़ी आगे चलो ना, ना 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 भाई नहीं, ये देखो भाई साहब देखो, चार नहीं पांच है, बच्चे निकल रहे हैं भाई, वो बच्चे 1-2-3-4-5-6 तो निकल गए हाथी। हाथी क्रॉस कर रहे हैं रोड, और हम बीच रास्ते में खड़े पड़े हैं, बहुत 15-20 मिनट हो गए कंटिन्यू क्रॉस कर रहे हैं। और अभी मैं गाड़ी आगे लेकर गया हुआ था, लेकिन ये मुझे अभी साइड से, मतलब जंगल की साइड से आवाज़ आई लकड़ियाँ टूटने की, तो वही हाथी अभी भी बिल्कुल मेरे पड़ोस में भी है, नियर बाई कहीं है। और मैं गाड़ी मैंने बहुत पीछे कर लिया, क्योंकि अपनी भाई सेफ्टी फर्स्ट है, तो सेफ्टी ज़रूरी है। अभी भी सामने कंटिन्यू भाई, पता ऐसा लग रहा पूरा झुंड है, 20-25 हाथी क्रॉस कर गए हमारे सामने अपनी गाड़ी अंदर थोड़ी बीच में लगा। हाँ, और अब मैं निकालने की सोच रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि उधर से आई है बड़ी गाड़ी आ रही है, तो मैं निकालने की अब कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी हाथी ये साइड में खड़े हुए हैं पूरा, कोई कन्फर्म इधर भी हाथी है तो, लेकिन मैं अभी मैं भाई सामान आराम आराम से क्रॉस कर रहा हूँ। ये हाथी देखो इधर, ये इधर है, और लेकिन हमें क्रॉस करना है हल्के हल्के आराम से। और नहीं 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 भाई, आराम से एकदम निकल के आ सकता है, एकदम निकल के आ सकता है। हम गाड़ी ये दो खड़ा है, ये खड़ा तो है पूरा, ये खड़े है, और गाड़ी बिल्कुल स्लो स्लो लेके चलनी है इस टाइम। मेरा भाई चुराटे मार दिया था, ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये देखो एक ये खड़ा है, और बिल्कुल 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 आराम से चलते रहो भाई। ये गाड़ियाँ तेज ला रहे हैं, गाड़ियाँ तेज नहीं लाए, आप बता दो, बता दो हाथी है खाली, कोई खाली फालतू में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए यार, सही नहीं रहता है। अरे कोई भाई, हम लोग निकल आए आगे। अरे पाजी सर, हाथी क्रॉस कर रहे हैं रोड, और गाड़ियां जो भी तेज जा रही है उन्हें इन्फॉर्म कर दे सर, हाथी भी कम से कम 10-15 हाथी हैं, मतलब झुंड है रोड पे, 2-3 किलोमीटर आगे, नहीं 3-4 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर, और गाड़ियां फास्ट जा रही हैं, बाइक भी गई है, और जो भी है उन्हें इन्फॉर्म। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, ठीक है सर, ओके। तो हमने अभी इन्फॉर्म कर दिया यहाँ पे, एक क्रॉसिंग पड़ती है टांडा में बीच में, क्योंकि इन्फॉर्म करना है ठीक है, क्योंकि वो बाइक मैंने देखा, एक तो बाइक वाले बेचारे, एक तो वैसे इतनी रात को जा रहे हैं ठंड में, और खुदा ना खास्ता एकदम रास्ते में आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो हाथी वैसे थोड़े बिगड़े हुए लग रहे हैं, तो और एक दो तो जब भी वो है पूरे, मतलब 10-15-20 हाथी हैं, भूखे हैं वो, तो ठीक है यार, इन्फॉर्मेशन करते हुए जाना चाहिए। ये पुलिस वालों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे फॉलो करें, और जो भी अभी वहाँ पे कर रहा है ड्राइवर उसे थोड़ा इन्फॉर्म कर देगी, आगे हाथी है, स्लोली आराम से क्रॉस कर लो, वो रोड पे कोई कह नहीं रहे, हम भी निकल कर आए हैं, तो बेटर है कि इन्फॉर्मेशन उन्हें देते रहें और आराम से वो क्रॉस करते रहें। जी,